माननीय कल्याण सिंह जी ने हमारे क्षेत्र से सांसद भी रहे वो, और उन्होंने क्या हमारे हिंदू समाज के लिए नहीं किया, क्या इस प्रदेश के लिए नहीं किया, क्या इस प्रदेश की जनता के लिए नहीं किया। उनके द्वारा किए गए कार्य को हम नतमस्तक हैं और हम उनकी बात को आगे कहीं गिनना नहीं देना चाहते। अभी कल हम सभी लोगों ने, मैं किसी का नाम लेता, हम सभी लोगों ने, हमारे अभी चार्ज साहब ने भी कहा कि सांप्रदायिकता फैला रहे हो आप, तो मैं बता दूं कि ये सभी लोग इनमें सांप्रदायिक कोई नहीं है। इनका प्यार कल्याण सिंह जी के बाबू के प्रति है, इनका सम्मान बाबू जी के प्रति है, और इस सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं। जब वो सत्ता में रहे अपनी कुर्सी त्याग दी राम मंदिर के लिए। वो एक हिंदुत्व के ऐसे नेता थे जो राम मंदिर आज बना है सिर्फ बाबूजी कल्याण सिंह की देन है। बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे, अमर रहे। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि योगी जी के राज में बाबूजी कल्याण सिंह जी का पूरा हटेगा, वरना हमें ऐसी उम्मीद होती तो सारी रात सभी लोग बाबू को रखाते। लेकिन अभी बचा बता रहे हैं कि किसी दूसरे इन्हीं बोर्डों पे भी विवाद चल रहा है, तो हम विवाद का केंद्र नहीं बनना चाहते। ये बात सही है कि हम पे परमिशन नहीं है, लेकिन स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, उनसे अनुरोध करके सभी लोग उनके पास जाएंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग से हम परमिशन लेंगे, और परमिशन लेके जब हम आएंगे तभी हमें वो चौक बनेगा। और हमारी ये सभी लोगों की बात है, सभी लोगों के मन में विश्वास है, हम परमिशन जरूर लेके आएंगे। और अब उसके बाद तो शायद हो सकता है सभी हमारे जो पुलिस वाले भाई हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पे, वो भी हमारा सहयोग करें उस टाइम। चलिए, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कहा कि जब हम पे परमिशन होगी और हम परमिशन लेके जरूर आएंगे, क्योंकि बाबूजी ने जो देश के लिए कहा है वो आज यादगार है और हमेशा यादगार रहेगा। मेरे साथ कल्याण सभासद है, ये बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से कल हमने एक यहाँ कल एक बोर्ड लगाया, उसके बाद आप क्यों आज बोर्ड दोबारा लेकर आना पड़ा? रात हमें बिना कोई इन्फॉर्मेशन दे वो बोर्ड हटा दिया गया। अगर वो शायद हमसे इन्फॉर्मेशन देते तो हम उसे सोते ही खुद ही ले जाते। कोई ऐसा हमारा कोई विवाद करने का या सांप्रदायिक फैलाने का कोई नहीं है, और ये पूरे हिंदू समाज का वो मसला है। कोई इसमें सांप्रदायिक नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई भी आए सबका स्वागत है। और यहाँ बाबूजी के चौक के लिए या हम इस द्वार के लिए बाबूजी कल्याण सिंह नाम के लिए हमें जहां तक जाना पड़ेगा हम सब मिलकर, और आश्वास कर रहे हैं कि बिना कोई सांप्रदायिक फैलाए शांति प्रिय सब काम करेंगे, और जब तक परमिशन नहीं मिल जाएगी जब तक हम अपने घर पे चैन से नहीं बैठेंगे। बता रहे हैं जो हमारी प्रक्रिया रहेगी बोर्ड को लगाने के लिए शासन से अनुमति के लिए रहेगी। गौरव भाई क्या कहना चाहते हैं आप? मैं गौरव सभासद नगर पालिका परिषद जहीराबाद। देखिए, यहाँ कल एक बोर्ड लगाया था, वो कोई अनुमति नहीं ली थी सरकार उससे सरकार से, लेकिन हम अपने मैं तो एक छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ, मैं आश्वासन करता हूँ और अपनी जनता जितने भी हमारे यहाँ साथ के भाई हैं सबसे कहूंगा, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जैसे विधायक जी, सांसद जी और योगी जी, मोदी जी, क्योंकि बाबू जी ने जो देश के लिए किया है, राम मंदिर के लिए किया है बाबू जी की, वो कोई भूल नहीं सकता। चलिए, गौरव जी का कहना, सभी का कहना, जब सबको चौक मिल रहा है तो एक हमें बाबूजी के नाम से चौक मिलना चाहिए, जिसका चांदोक दौरा है। पर उन्होंने कल बोर्ड भी लगाया था, आज बोर्ड हट चुका है शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन आज भी उनके हाथ में बोर्ड है। कह रहे हैं कि अब जो प्रक्रिया रहेगी हमारी शासन की अनुमति की रहेगी, उसको लेकर हम पुनः एक बार बोर्ड यहाँ दोबारा लगाएंगे। क्या कहना धर्मपाल? मैं धर्मपाल से लोढ़ी नगर पालिका परिषद सभासद, हम जब तक बोर्ड चौक नहीं लगेगा हम मांग करते रहेंगे सरकार से और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, वो सभी लोग साथ हैं लोढ़ी समाज के और अन्य समाज से भी, के वो चाहते हैं कि हमारा जो चौक है इसको बाबूजी कल्याण सिंह के नाम जाना जाए, पहचाना जाए। शासन की जो अनुमति रहेगी, शासन की जो मंशा रहेगी, उसके अधीन अब हम चलेंगे, लेकिन हम प्रक्रिया जरूर करते रहेंगे। शासन से मांग की कि इस चौक को, चांदोक गुराहे चौक को, बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से जाना जाए। आज हमारे बाबूजी की तीसरी बरसी थी, हम पूजा करने के लिए आए, करने लिए आए, लेकिन हमने साहब को जब बताया कि सर हम पूजा करने के लिए आए, तो साहब ने भी हमारा
सम्मान किया और हमारी पूजा अच्छी तरीके से संपन्न कराई। अच्छी बात है क्योंकि इसमें पुलिस का भी सहयोग रहा है, जब पता लगा है कि आज उनकी पुण्यतिथि थी, पुण्यतिथि को लेकर उनका आज हवन हो रहा था, हवन में पुलिस ने भी सहयोग करा है, जहां मौजूद है इंस्पेक्टर महेंद्र त्रिपाठी जी। चलिए मेरे साथ, अब ये सब लोग कह रहे हैं कि आप अनुमति इसके बाद ही जो भी कुछ होगा, तो मैं चाहता हूँ कि लड्डू भाई अब जब भी हाँ बिल्कुल अनुमति लेकर जरूर आएंगे, हम आपको आश्वस्त कराते हैं सभी को जरूर अनुमति लेके आएंगे। कहीं से भी हो वहीं से हम करा के लेके आएंगे। चलिए, तो हमारे साथ लोधी समाज के लोग जो बता रहे थे और अन्य समाज के लोग के ये चोट कल्याण सिंह, चलिए मेरे साथ।